नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटर मफ में और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ईशान। आज मैं फिर आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग खबरें लेकर आया हूं मोटरवाइल सेक्टर से। दोस्तों जो होंडा उसने अपनी मच अवेटेड क्लासिक बाइक CV350 को जो हिंदुस्तान के मार्केट में लॉन्च कर दिया है, इसी बाइक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि होंडा इसमें हमें क्या क्या नया प्रोवाइड करता है, क्या इसमें फीचर्स वो लेके आने वाला है, क्या इसकी पावर रहने वाली है और कंपटीशन में कैसा परफॉर्म करने वाला है। मोर ओवर, ये जो 300 से 400 सीसी का क्लासिक बाइक का सेगमेंट है जिसके अंदर हमारी रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 है, जावा की हमारी बाइक है और हमारी थोड़े दिन पहले ही लॉन्च हुई बेनेली की इंपायर 400 है, उनको ये कैसा कॉम्पिटिशन प्रोवाइड कर पाएगी, उन बाइक के मुकाबले क्या आपको इस बाइक को कंसिडर करना चाहिए और जो हमारी सेगमेंट की किंग मानी जाती है रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350, क्या उसको छोड़कर आपको इस बाइक को पिक करना चाहिए या उस बाइक को कितना अच्छा कॉम्पिटिशन प्रोवाइड करने वाली है। उसी के साथ जो हमारी रॉयल एनफील्ड की आने वाली बिल्कुल ही उनकी नई बाइक है जो कि उनके जे प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है जिसका नाम है मेट्रो 350, वो भी हमारे कुछ दिनों में लॉन्च होने वाली है, तो क्या आपको उस बाइक का वेट करना चाहिए या आपको जो है होंडा के साथ चले जाना चाहिए। ये सारी बातों को जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सारी बातों पे जो है हम रोशनी डालने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके आज की वीडियो करते हैं शुभारंभ। मैं हूं आपको होस्ट दोस्त ईशान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटो मफ। दोस्तों ये जो हमारा 2000 का फैमिली मेंबर का माइलस्टोन है उसके हम बहुत पास पहुंच गए हैं, तो जल्दी से आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और मोटो मफ की फैमिली के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा ताकि मैं कोई भी नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊं तो सबसे पहले आप उसका लुत्फ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो करते हैं शुभारंभ। दोस्तों सबसे पहले हम जो है बाइक की डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें 2163 mm की लेंथ देखने के लिए मिल जाती है, 800 mm की विड्थ देखने के लिए मिल जाती है, 1107 mm की हाइट देखने के लिए मिल जाती है। वहीं पे अगर आप बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं तो 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाती है जो कि काफी हद तक ठीक ठाक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। एंड वहीं पे दोस्तों यहाँ पे आपको जो है 15 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है जिसकी वजह से जो रेंज है काफी हद तक हमारी बढ़ जाती है अगर हम दूसरी रेट्रो बाइक से इसे कंपेयर करते हैं। अब दोस्तों जो ये हमारी होंडा की हाइनेस CV350 है, इस बाइक को सेगमेंट के अंदर पहले से मौजूद जो दूसरी रेट्रो बाइक्स हैं, क्लासिक बाइक्स हैं, उनको काफी टफ कंपटीशन देना है। उसी के चलते जो हमारे जापानीज मैन्युफैक्चरर हैं होंडा, उन्होंने काफी अच्छा रेट्रो या क्लासिक लुक जो है प्रोवाइड किया है इस बाइक को। इस बाइक का जो हमारा डिजाइन है वो हमारी सीवी सीरीज की कुछ आइकॉनिक बाइक से लिया गया है, उन्हीं से इंस्पायर्ड है। ये जो बाइक है काफी अच्छी लगती है देखने में एंड इसमें हमारे कुछ रेट्रो एलिमेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको राउंड शेप की हमारी लाइट देखने के लिए मिल जाती है। उसी के साथ यहाँ पे हमें एक लार्ज फ्यूल टैंक मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे जो है क्लासिक तरीके से होंडा भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे हमें फ्लैट सैडल देखने के लिए मिल जाते हैं, उसी के साथ यहाँ पे फ्लैट हमारे जो रियर का बम्पर है वो देखने के लिए मिल जाता है। एंड यहाँ पे क्रोम का भी काफी अच्छा इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से बाइक की जो खूबसूरती है वो और ज्यादा निखर जाती है। बट उसी के साथ यहाँ पे जो हमारी होंडा है उसने मॉडर्न फीचर्स का भी काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से इस बाइक की जो हमारी फीचर लिस्ट है वो भी बढ़ जाती है, यानी गाड़ी देखने भी काफी अच्छी लगती है। जैसे कि यहाँ पे आपको जितनी भी लाइट्स है हमारी LED लाइट्स है, चाहे वो हमारी हेडलाइट हो, टेल लाइट हो या हमारे इंडिकेटर्स हो, हर जगह आपको LED का ही इस्तेमाल देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं जो कि हमारे फर्स्ट इन सेगमेंट होंगे। अगर हमें 300 से 400 सीसी का जो हमारा क्लासिक रेट्रो सेगमेंट है उससे अगर देखते हैं तो ये फर्स्ट इन सेगमेंट है कि आपको किसी बाइक में एलॉय व्हील्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसी के साथ जो हमारा अगला टॉकिंग पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे आपको सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर आपको एक TFT स्क्रीन प्रोवाइड की जाती है जो कि आपको ढेर सारे फीचर्स जो है प्रोवाइड करती है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू MT, फ्यूल गेज, ट्रिप मीटर, क्लॉक, साइड स्टैंड इंडिकेटर, टैकोमीटर भी जैसे फीचर दिए गए हैं, 1000 स्विच आपको यहाँ मिल जाता है, इंडिकेटर स्टार्ट स्टॉप स्विच भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको जो है रियल टाइम फ्यूल एफिशिएंसी एंड जो हमारा गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर है वो भी प्रोवाइड किया गया है इस TFT स्क्रीन में। एंड मोर ओवर आप जो है इस बाइक को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए। उसी के साथ यहाँ पे जो हमें टॉगल स्विच प्रोवाइड किया जाता है जिसके जरिए हमारी जो TFT स्क्रीन है हम ऑपरेट कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मोड्स में जो है जा सकते हैं। अब ये तो बात होगी हमारे इसमें मिलने वाले मॉडर्न फीचर्स एंड इसके डिजाइन के बारे में। अब बात करते हैं कि कंपनी ने इसमें हमें कौन सा दिल लगा के दिया है, मीन्स गाड़ी के इंजन के बारे में हम बात कर लेते हैं। इसके अंदर हमें एक 348 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिल जाता है जिसके अगर हम पावर आउटपुट्स के बारे में बात करते हैं तो 21.1
PS of power generate कर सकता है at 5500 RPM पे एंड जो है 30 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट कर सकता है एट 3000 RPM पे। तो यहाँ पे ये जो हमारे फिगर्स हैं कहीं ना कहीं हमारे जो क्लासिक 350 है उसके मुकाबले काफी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको जो है 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलना था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको 5 स्पीड का गियरबॉक्स मिलता है, उसी के साथ यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हमारा फर्स्ट इन सेगमेंट है। मोर ओवर यहाँ पे आपको होंडा का इंजन देखने के लिए मिल रहा था, जो रिफाइनमेंट लेवल्स हैं काफी हद तक आपको अच्छे मिलने वाले हैं दूसरे कंपटीटर्स के मुकाबले। उसी के साथ इस बाइक के अंदर आपको एक थम्मिंग साउंड देखने के लिए मिल जाती है, मीन जो उसका एग्जॉस्ट साउंड है वो काफी अच्छा है। तो होंडा ने ये जो साउंड है वो लॉन्ग मफलर को यूज करते हुए जो है अचीव की है। तो इसी बात पे इस बाइक का जो है एग्जॉस्ट नॉइस सुन लीजिए। मोर ओवर इस बाइक के अंदर आपको HSTC मीन्स होंडा सिलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल जैसा फीचर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से अगर आप कभी हार्ड एक्सेलेरेशन कर देते हैं या एकदम से बहुत ज्यादा एक्सेलेरेशन कर देते हैं तो जो हमारे रियर व्हील का स्लीपिंग है वो ना हो, उसको जो है प्रिवेंट करने के लिए इस फीचर का इस्तेमाल किया जाता है। ये फीचर भी आपको इस बाइक के अंदर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि फर्स्ट इन सेगमेंट है। वहीं पे इस बाइक के अंदर हमें जो है 100x19 इंच के LOBs देखने के लिए मिल जाते हैं फ्रंट में, एंड रियर की बात करते हैं तो 18 इंच के 130x70 सेक्शन के हमें LOBs देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पे अगर ब्रेकिंग डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको जो है ड्यूल ABS का भी ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है, जो कि काफी अच्छी बात है। एंड आपको जो है फ्रंट में 310/10mm की डिस्क देखने के लिए मिल जाती है, एंड रियर में 240mm की डिस्क देखने के लिए मिल जाती है। तो ब्रेकिंग भी इस बाइक की काफी अच्छी होने वाली है। तो यहाँ पे जो होंडा है उन्होंने काफी अच्छा आपको एक ओवरऑल प्रोडक्ट, एक अच्छा ओवरऑल पैकेज आपको प्रोवाइड किया है। अगर हम सेगमेंट को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सेगमेंट लीडिंग बाइक हो सकती है। तो दोस्तों इस बाइक के अंदर हमें जो है दो वेरिएंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, एक है हमारा DLX और दूसरा है हमारा DLX प्रो। इसमें हमारा जो प्रो वेरिएंट है उसमें हमें जो है एक नया फीचर प्रोवाइड किया जाता है, जो कि हमारा वॉइस कमांड फीचर है, होंडा वॉइस कमांड, जिसके थ्रू आप जो है स्टेप बाय स्टेप नेविगेशन, म्यूजिक या कॉल्स को जो है अपने फोन के जरिए या वॉइस कमांड के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं। ये वाला फीचर आपको जो है प्रो वेरिएंट में देखने के लिए मिल जाता है। उसी के साथ प्रो में जो है आपको ड्यूल कलर के भी ऑप्शन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, बाकी इन दोनों में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। वहीं पे दोस्तों अगर प्राइस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारा DLX वेरिएंट है उसका हमारा जो एक्सशोरूम प्राइस टैग है वो 1.9 लाख का है, एंड जो हमारा DLX प्रो है वो 1.95 लाख के प्राइस टैग के साथ आता है। तो कॉस्ट के मामले में अगर इस बाइक को हम रॉयल एनफील्ड से कंपेयर करते हैं तो काफी डिफरेंस है। आपको यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट अराउंड 35-40,000 का डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है, बट यहाँ पे जो आपको फीचर्स मिल रहे हैं सेगमेंट लीडिंग है, काफी अच्छे फीचर्स मिल रहे हैं। मोर ओवर यहाँ पे आपका जो हमारा इंजन है वो ज्यादा रिफाइंड है, ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट थोड़ा बहुत डिफरेंस है। एंड मोर ओवर यहाँ पे जो आपको 3000 RPM से ही पावर मिलनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इस गाड़ी का जो लो परफॉर्मेंस और जो हमारी मिड एंड परफॉर्मेंस है काफी अच्छी होने वाली है। रॉयल एनफील्ड के मुकाबले यहाँ पे आपको वाइब्रेशन भी कम मिलने वाली है। होंडा का जो हमारा इंजन है उसकी वजह से जो कि रिफाइंड रहता है, काफी अच्छे नए फीचर्स भी देखने के लिए मिलने वाले हैं अगर हम सेगमेंट की दूसरी बाइक से भी इसे कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों अगर आप आने वाले कुछ दिनों में प्लान कर रहे हैं एक क्लासिक या रेट्रो बाइक लेने के लिए तो आपको जो है इस बाइक का इंतजार करना चाहिए, इस बाइक की आपको जो है टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा कंप्लीट रिव्यू होंडा की हाइनेस CB350 के ऊपर। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आपको इस बाइक का जो है वेट करना चाहिए, टेस्ट ड्राइव लेनी चाहिए, इस बाइक को जो है कंसीडर करना चाहिए अगर हम दूसरी सेगमेंट की बाइक से इसे कंपेयर करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं बाइक को, कार्स को लेकर तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या आप इसी बाइक के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो भी आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं तो आपका होस्ट हूं दोस्त ईशान, आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटोमफ। अब आपसे मुलाकात होगी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जब तक के दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आपके पास कोई कार है, कोई बाइक है जिसका आप एक रियल लाइफ बेस्ड रिव्यू सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप जो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी के द्वारा। या आपके पास कोई कार या बाइक है जिसमें आपने काफी अच्छे मोड्स लगवाए हुए हैं, काफी अच्छे तरीके से उसको मॉडिफिकेशन करवाया हुआ है, एंड आपका उसका एक साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है, ये चीज भी आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि हम आपके कार या बाइक को जो है फीचर करें तो भी आप जो हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी के द्वारा। तो दोस्तों हम आपका बहुत सारे प्यार और बहुत अच्छे रिस्पांस का वेट कर रहे हैं, तो जल्दी कीजिए और जो ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड की गई है वहां पे जाइए और अपने डिस्क फिल कर दीजिए।